चलिए बढ़ते हैं आगे। नोएडा से बड़ी खबर, रियल एस्टेट कारोबारियों पर आईटी की जांच जारी है। नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स से चोरी, 1000 करोड़ से ज्यादा के टैक्स से चोरी के सबूत मिले हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी सामने आई है, बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारियों पर आईटी की जांच जारी और नोएडा में अब तक की सबसे बड़ी टैक्स चोरी, 1000 करोड़ से ज्यादा के टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। 10 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी मिली है। रिटर्न की स्कीम में 250 करोड़ की हेरा फेरी हुई है। कैश में बेची गई प्रॉपर्टी की जानकारी भी बरामद की गई है। पेनड्राइव और हार्ड डिस्क कब्जे में ली गई है, तमाम सबूतों को आईटी ने अपने कब्जे में लिया। 4 जनवरी से अभी तक सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली एनसीआर में 40 ठिकानों पर आईटी का छापा जारी है और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में नोएडा से संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 4 जनवरी से ये रेड जारी है और अभी तक के जो सूत्र बता रहे हैं उसमें 1000 करोड़, जो कि एक बहुत बड़ी रकम, 1000 करोड़ की टैक्स चोरी के सबूत मिले हैं। क्या ये अभी और आगे बढ़ने वाला है आंकड़ा? बिल्कुल, देखिए इसको बड़ी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है और अभी तक की नोएडा में जितने भी इनकम टैक्स विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है उसमें सबसे बड़ा अमाउंट ये निकल कर आया है। इनकम टैक्स विभाग पिछले तकरीबन 2 साल से मॉनिटरिंग कर रहा था, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, और इन बिल्डर कंपनियों पर कैश में प्रॉपर्टी बेचना यानी बेनामी संपत्ति बेचने का शुरुआती तौर पर सबूत मिले थे, जिसके बाद ये छापेमारी लगातार की जा रही है। आज 7वां दिन है, 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग के सैकड़ों से ज्यादा अधिकारी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, 1000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स चोरी पकड़ा गया है। कई सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनकम टैक्स विभाग को मिले हैं और 10 करोड़ रुपए कैश और ज्वेलरी भी मिलने की जो बात है वो सामने आ रही है। इसके अलावा काफी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कैश में लोगों को दी गई और अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम के तहत दी गई, यानी जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, बिल्डर के द्वारा दावा किया गया कि पोजीशन मिलने तक उनको एक अमाउंट हर महीने मिलता रहेगा। इस तरीके की तमाम प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी मिली है। अब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी के रडार पर वो लोग भी हैं जिन लोगों ने इस संपत्ति को खरीदा है, उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी कि कैश का पैसा कहां से ले आए, और ये जांच का दायरा आने वाले समय में बढ़ने वाला है।